फिर से आपका सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ सिंपल अपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हमें किसी भी बॉडी पे पता करना है कि उस पर चार्ज कौन सा है, तो हम जो एक अपरेटस होता है, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह कैसी है। तो चलिए कुछ कुछ इस तरह का होता है ये गोल्ड लीफ अपरेटस। ये मेटल डिस्क लगी रहती है, इंसुलेटिंग मटेरियल, और यहाँ पे गोल्ड लीफ होती है जो मेटल की हो, जो यानी कोई भी मेटल यानी चार्ज उनमें आ जा सके उसकी बनी होती है। ज़रूरी नहीं है गोल्ड लीफ ही हो, लेकिन जो गोल्ड लीफ बनी हो तो उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ये मेटल स्टीम होती है, गोल्ड प्लेट होती है, ग्लास होता है, ग्लास विंडो और अर्थ कनेक्शन होता है। ठीक है, तो और देखते हैं कि कहीं वर्क कैसे करता है। पहले थोड़ा तो मान लीजिए हमारे पास ये गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप जो आप ऊपर देख रहे थे वही है। जब हम इसके पास पहले एक जो कोई भी एक चार्ज बॉडी लाते हैं, जैसे मान लो वो कोई भी नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज की हो, उसके पास लाएंगे। जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की बॉडी लाए, तो उसमें जो उसके जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर चले जाएंगे, रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। जिसकी वजह से फिर यहाँ पे हम अर्थिंग कर कर तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये हमारा पूरा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तब उसके पास अगर हम कोई भी लाएँ बॉडी, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव लाएँ या नेगेटिव लाएँ, तो अगर हम पॉजिटिव लाते हैं और इसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये गोल्ड लीफ होती है वो और ज़्यादा फैल जाती है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे इसके पास दोबारा से, तो ये फिर कम पास पास आ जाएंगी। अगर देखें तो यहाँ पे अगर हमने इसे यहाँ पे हम नेगेटिव बॉडी लाए थे, अब लेकिन हमने एक और जो लिया है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी लाए होंगे। यहाँ पर इसकी जगह पर हम पॉजिटिव बॉडी लाएँ, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से हम इसकी अर्थिंग कर देंगे, ये अर्थ कनेक्शन जो ऊपर था, तो अर्थिंग यहाँ से हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद फिर जो ऊपर होगा वो नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज से बन जाएगा ये गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। फिर इसके बाद अगर हम नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लाते हैं फिर से दोबारा, तो ये गोल्डी दूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो फिर ये दोनों अट्रैक्ट होने लगेंगे एक दूसरे के साथ। यू नो दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ऑल थ्रू नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें पता है कि सारे मटेरियल जो एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे डू नॉट कंटेन चार्ज, उनके पास चार्ज नहीं होता है, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस, बट उनके पास जो चार्ज होता है वो बैलेंस्ड होता है, वो बैलेंस्ड होता है। जैसे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। फोर्स दैट होल्ड्स द मॉलिक्यूल टुगेदर, फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सॉलिड, जो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल को जोड़े रखती है सॉलिड में भी, द एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लू, उसे हम एडहेसिव फोर्स ग्लू, फोर्स एसोसिएटेड सरफेस टेंशन, ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जो जितनी भी फोर्सेस उन मॉलिक्यूल से जुड़ रहती हैं वो इलेक्ट्रिकली नेचर में होती हैं, इलेक्ट्रिकली नेचर की होती हैं। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी, अगर हमें किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है यानी उसमें चार्ज लाना है, वी नीड एड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अगर हमें उनमें से किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, तो उनमें से हमें एक चार्ज निकालना होगा या फिर उसमें जोड़ना होगा, या इलेक्ट्रॉन उसमें हम उससे निकाल लें या फिर उसमें ऐड कर दें, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। अगर हम उसमें से निकालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, अगर हम उसमें से उसमें ऐड कर देते हैं एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। व्हेन वी से दैट द बॉडी इज चार्ज, तो हम कह सकते हैं वो बॉडी चार्ज है। वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज ऑन डेफिसिट्स ऑफ चार्ज इन सॉलिड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बॉन्डेड। हमने देखा है सॉलिड में कि जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली
बाइंडेड टाइटेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, लेस टाइटली बाउंडेड होते हैं एटम से, तो एटम के न्यूक्लियस से, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, तो हम उनमें कोई भी अप्लाई, जैसे हम उसमें से रविंग करते हैं तो उनको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, तो वो उससे अपने ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल आते हैं। द चार्जेस आर विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जो चार्ज एक्साइटेड होकर दूसरी बॉडी में चला जाता है। अ बॉडी थस बी चार्ज पॉजिटिवली बाई लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन, तो जब बॉडी कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज, इसी तरह जब वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगी जो बॉडी, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा अपना नोट्स में अब देख लेते हैं कि पूरा पूरा कैसे रिविजन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच बीच में दिया है तो एक नोट्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट मैं अपनी नोट्स का रिविजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें ये आपको PDF मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो हमें पढ़ रहे हैं अभी, यानी चार्ज रेस्ट में हो, और मैग्नेटिज्म होता है चार्ज एट मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मोशन में तो हो लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में भी हो, मूव कर रहा हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चार्ज मोशन में हो लेकिन एक्सेलरेशन हो, यानी उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ना हो। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे हमारा इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी मतलब खुद की प्रॉपर्टी, मतलब जैसे अपनी किसी भी बॉडी के पास मास है तो वो एक खुद की प्रॉपर्टी है कि उसके पास वो मास है, ऐसे ही चार्ज है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जिसके पास मास है ज़रूरी नहीं उसके पास चार्ज हो, लेकिन जिसके पास चार्ज है उसके पास 100% मास होगा। वैन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन वी कैन से द बॉडी गेट चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है। द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉजेस बाय द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम उसे फ्रिक्शन करें यानी उनके बीच में रगड़े उन्हें, तो जो ट्रांसफ़र चार्ज वो भी मुमकिन है उसमें, तभी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एनर्जी गेट कर कर। सिंबल हम इसका क्यू है, SI यूनिट इसकी गुलाम है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज। डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास वूल पैनल इविनोइड रॉड है आप पढ़ चुके हैं, सल्कर और एम्बर प्लास्टिक पॉलीथीन कॉम। तो चार्ज प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एलिमेंट्री चार्जेस कहते हैं हम इन लोगों को, अगर सिंगल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। 1 कूलाम इक्वल टू 6.225 × 10⁻¹⁸ कूलाम चार्ज होता है एक कूलाम में, एक इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में। और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन जो ये न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं, और इसमें जो लास्ट ऑर्बिट में जो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन करते हैं रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम अब हम पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो देखा जाए तो फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी के चार्जेस में, द लाइक चार्जेस आर नल द अनलाइक चार्जेस आर नलीफाई और कैंसिल ईच अदर इफेक्ट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट। अगर मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया और हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया सेम मैग्नीट्यूड की, और हमने उन दोनों को मिला दिया, तो उन दोनों का जो जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा, वो एक दूसरे के चार्जेस को नलीफाई कर देंगे। देयर फॉर द चार्जेस नेम एज पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी उनका जो नेम हमने पॉजिटिव नेगेटिव रखा, बाई अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर फ्रॉम द न्यूक्लियस फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस एंड दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली फ्रॉम द ऑर्बिट बाई गिविंग सम एनर्जी, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट सेल में होते हैं एक किसी भी एटम के ऑर्बिट में। जब हम उनको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अपना ऑर्बिट छोड़कर दूसरी बॉडी में
चले जाते हैं। द एपरेटस यूज टू डिटेक्ट द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप, आपने अभी ऊपर पढ़ा है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। जब चार्ज यानी वेलोसिटी जीरो यानी रेस्ट में हो चार्ज, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो और चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ये हम अपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो और तब भी चार्ज मूव कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे इसे अपने 8th चैप्टर में। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। तो वही है यहाँ पे भी कि वाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन वी कैन से द ऑफ अ ग्लास रॉड विद सिल्क, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। जो रॉड से होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन वो सिल्क क्लॉथ के पास चले जाते हैं, इसलिए रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जो सिल्क होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नाउ नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। जब हम सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो उनमें उनके बीच में कोई भी नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। ये ध्यान रखना कि चार्ज, कोई सिंगल चार्ज कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अगर प्रोड्यूस होंगे तो वो पेयर में प्रोड्यूस होंगे। अगर एक पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा होगा तो एक नेगेटिव भी साथ में प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिससे उनका इफेक्ट कैंसिल जीरो हो रहा होगा। आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट्स आर ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल बॉडी। जो ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन वो टोटल बॉडी के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है। और आल्सो ओनली लेस टाइटेड बॉन्डी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम टू एनोदर बाय द रबिंग। जो सबसे लेस टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी तक जा सकते हैं। देयरफॉर बी अ बॉडी इज रब विद एनोदर बॉडी गेट चार्ज। तभी हम अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी को अगर रब करें तो वो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। अब हम करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो चलिए, सम सब्सटेंसेस रेडिली अलाउ पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, डू नॉट अदर डू नॉट। दोज यानी कुछ बॉडीज अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आराम से कर जाती हैं और कुछ नहीं करने देती हैं। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली दे आर कॉल्ड कंडक्टर। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करने देती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। और दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन दैट कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, कि उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो वो मूव करने लगते हैं। द मेटल्स ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स बॉडीज एंड अर्थ आर द कंडक्टर। जो मेटल है, ह्यूमन बॉडीज, एनिमल्स हैं, वो सारे कंडक्टर हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस। जो नॉन मटेरियल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस उनमें ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो अपोज करे फ्लो ऑफ चार्ज को। तो प्लास्टिक और नायलॉन वगैरह में चार्ज फ्लो नहीं करता, इसलिए नॉन मेटल्स होते हैं, ये इंसुलेटर कहलाते हैं। द पैड टू द हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दैम दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दे ईजिली, जिनके पास हाई रेजिस्टेंस हो, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। When some charges is transferred to a conductor, it get distributed over entire surface to the conductor. In constant, if some charges is put another insulator, it stay at the same place. अगर हम किसी भी कोई भी चार्ज हम कंडक्टर में दें तो वो आराम से पास हो जाता है। बट लेकिन अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ सम चार्ज पुट इन ऑन इंसुलेटर, हम इंसुलेटर में कोई चार्ज देते हैं, इट स्टे एट द सेम प्लेस। क्योंकि इसलिए हो जाता है कि मतलब हम कंडक्टर को देते हैं, जैसे उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम उसको एक चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उन फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा आगे आगे होकर पास होता जाता है, इसलिए इस तरह वो करंट फ्लो होता जाता है। लेकिन एक इंसुलेटर में अगर हम चार्ज दें तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, तो जब हम चार्ज देते हैं तो वो एक जगह स्टे हो जाता है और उसी सेम प्लेस पर बना रहता है।
इसलिए इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टेल यू वाई या नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रीफाइड। इसी तरह आप समझ जाएंगे कि नायलॉन और प्लास्टिक जो कॉम कैसे इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे। ओके अब हम पढ़ेंगे इसमें, वैन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, अगर हम जब कोई भी एक चार्ज बॉडी को अर्थ के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑफ द बॉडी डिसअपीयर बाय द कॉजिंग ऑफ मोमेंटरी करंट टू द पास थ्रू द ग्राउंड एंड कनेक्टिंग कंडक्टर्स सच अवर बॉडी। तो मतलब ये है कि जब हम किसी भी बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं, यानी उसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जो उसमें जो चार्ज होता है वो अर्थ ले लेती है, क्योंकि अर्थ को एक यूनिवर्सल कंडक्टर माना गया है और वो एक बहुत ही ज़्यादा हैवीली बॉडी है जिसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इसलिए सारे चार्ज उस तरफ लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की ओर मूव करने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इसी हम प्रोसेस को ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट और एंड अप्लायंसेस। इसलिए हम अर्थिंग अपने घर में भी करवाते हैं, जिससे हमारे अप्लायंसेस में अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आ रहा होगा तो वो अर्थिंग के द्वारा अर्थ में चला जाएगा, जिससे हमारे अप्लायंसेस वगैरह फूकेंगे नहीं, यानी उनको शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी। अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ। एक थिक मेटल होती है, उसे हम अर्थ में डालते हैं। थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेट्स, उससे मोटे मोटे वायर निकालते हैं और दीज आर यूज टू इन बिल्डिंग्स, और उन्हें हम बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर देते हैं, जिससे अगर मतलब लाइटिंग वगैरह हो तो जो बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची होती हैं उनमें लाइटिंग वगैरह गिरती हैं, जैसे ही उन पे करंट आता है वो उन वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, जिससे बिल्डिंग में जो करंट नहीं रह पाता है और सीधा धरती में चला जाता है। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन द आवर हाउस हैज़ थ्री वायर्स। एक हमारे जो घर में वायर होते हैं उनमें थ्री वायर होते हैं, एक लाइट वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। द फर्स्ट टू कैरीज द फर्स्ट टू कैरीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन। जो दो पहले के दो हैं वो हमारे पावर स्टेशन से करंट लाते हैं, एंड द थर्ड इज अर्थिड बाय द कनेक्टिंग टू द बरीड मेटल। जो हमने अर्थिंग की है, जो मेटल हमने अपनी जमीन में गाड़ा था उससे जोड़ देते हैं, तो वो अर्थिंग का काम करता है थर्ड वायर। मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक आयरन रेफ्रिजरेटर टीवीज आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। इसीलिए हम लोग जो रेफ्रिजरेटर वगैरह टीवी वगैरह अपनी अर्थिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। आप अभी अपना फ्रिज का जिसमें भी थ्री प्लग वाला जो प्लग होता है उसमें एक अर्थिंग वायर लगा रहता है, जिससे वो एक्स्ट्रा करंट को अर्थ में डाल देता है। व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स ऑन द लाइव वायर इज द मेटेलिक बॉडी द चार्ज फ्लो विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेज एंड विदाउट कॉजिंग द इंजरी टू द ह्यूमन अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सेंस द ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह वो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम छुएंगे तो चार्ज हमारे थ्रू जाकर अर्थ में चला जाता है, इससे बचने के लिए हम उसे अर्थिंग करंट से कनेक्ट कर देते हैं और वो हो जाता है। अब हम थोड़ी नोट्स पढ़ लेते हैं। तो बॉडीज़ आर चार्ज ओनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉडीज़ होती हैं वो चार्ज होती हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। द चार्ज इज ऑलवेज डेवलप इन पेयर, जो चार्ज होता है वो पेयर्स में डेवलप होता है। द मास ऑफ डोनर इज डिक्रीजेज, जो मास होता है वो डोनर का वो डिक्रीज होता है। द मास ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, यानी मान लीजिए दो बॉडी है, अगर ये ए बॉडी इसको बी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर देती है, तो जो ए का मास होगा वो कम हो जाएगा और बी का बढ़ जाएगा, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है जो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, इसलिए ए का कम हो जाएगा और बी का ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 3.2 × 10⁻¹⁹, यानी 2e के बराबर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.675 × 10⁻²⁵ kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹ kg होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी 4 × 9.67 × 10⁻²⁷ kg।
मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻²⁷ kg। अब हम पढ़ लेते हैं कि हम किस किस तरह बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड टू चार्ज अ बॉडी। तो वाइट कंडक्शन, यानी कंडक्शन में होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाएंगे और उनको और जो न्यूट्रल बॉडी है उसे चार्ज कर देंगे। तो एक एक हम मान लीजिए हम कोई भी एक जे जे बॉडी है यहाँ पर, उसका नेगेटिव चार्ज है क्यू और एक न्यूट्रल बॉडी है, हमने उन दोनों को जोड़ा तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडी में और यहाँ पे आधा आधा चार्जेस दोनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। ये सिर्फ शेप साइज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में डिपेंड करती है, यानी अगर एक बॉडी का यानी अगर एक बॉडी बहुत बड़ी और एक बॉडी छोटी है तो वो चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होगा, सेम साइज होना चाहिए और सेम मटेरियल का बना होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी बिना छुए हम कैसे विदाउट कॉन्टैक्ट कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी ये है, हम इसके पास कोई एक चार्ज बॉडी लाए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्शन अलग हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक अर्थिंग कर देंगे यहाँ पे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, या फिर नहीं पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर आकर इन्हें नलीफाई कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो एम पे रहेगी, तो इस बॉडी जो बॉल में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा दें तो पूरी बॉडी में फिर नेगेटिव चार्ज अकेला रह जाएगा, इस तरह हमारी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर इसी तरह हम पॉजिटिव चार्ज करना होता तो हम इस जो ये रॉड है इसको हम नेगेटिव चार्ज लिए, नेगेटिव चार्ज रॉड लाते तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे करके पूरा पूरा हो जाता। व्हेन द चार्जेस आर डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन द फिनोमेनन इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर चार्जेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिस्प्लेस हो विदाउट फिजिकल कनेक्शन, कोई भी फिजिकल कनेक्शन ना हो, तो उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए दो इंसुलेटिंग बॉडी हैं, अगर उन दोनों को रब करें जो हम आगे पढ़ चुके हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए दो बॉडी हैं, इनको रब किया तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा और एक्साइटेड होकर अपना ऑर्बिट छोड़कर किसी दूसरे बॉडी में चला जाएगा। तो जो ये जो बॉडी छोड़ेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो जो बॉडी लेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लेगी उसका मास बढ़ जाएगा और जो छोड़ेगी उस पर मास का डिक्रीजमेंट होगा। मान लीजिए एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, मान लीजिए ए और बी दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में यानी जुड़ी हुई है, अभी न्यूट्रल है, इसके फिर हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए तो ये दोनों जुड़ी हुई है मान लेते हैं, तो ये पूरा एक बॉडी तो हुआ, तो इसका नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा इस साइड आ जाएगा क्योंकि ये पूरी बॉडी है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अटैक कर रहेगा, तो फिर हम इसके यहाँ पे अर्थिंग कर देंगे यहाँ से। अगर अर्थिंग नहीं करते हैं तब भी अगर हम फिर इन दोनों बॉडी को अलग 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 कर दें तो ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इस वाले वॉल में बना रहेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस वाले वॉल में बना रहेगा, उसका फिर हम ये रॉड हटा दें तो फिर ये हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी और हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब आगे देखें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर चार्जेस आर टू टाइप्स होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इफेक्ट टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। इफ द चार्जेस ऑफ द बॉडीज आर वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लीजिए चार्जेस बहुत छोटे छोटे हैं, दो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और उनकी बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है मतलब टेंस की पावर में, तो समझ लीजिए कि वो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस का काम करेंगे। वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द वन पॉइंट इन द स्पेस। माना जाता है कि सारा जो बॉडी का कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है वो एक जगह कंसंट्रेटेड होता है। एडिटिव नेचर अभी हम मांगने पड़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस देख लेते हैं हम लोग। तो वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट द बॉडीज आर चार्ज बाई द लविंग। हमें ये पता है कि बॉडीज हम चार्ज कर सकते हैं बाई लविंग। द डेयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी अनदर बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऑन न्यू चार्जेस आर आइदर नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। इस प्रोसेस में ना तो कोई नया चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल चार्ज इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमें बताता है आइडिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। When the bodies are wrapped, two bodies with
एंड उधर अगर हम दो बॉडी को एक दूसरे से रफ करें, व्हाट वन बॉडी गेन इन द चार्ज एंड अदर बॉडी लूज, मतलब एक बॉडी को चार्ज मिलता है और एक बॉडी लूज कर देती है वो चार्ज, फिर दूसरी बॉडी उसको गेन कर लेती है। विद एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्जेस बॉडीज ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज द चार्जेस मे बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बट इट इज द फाउंड टू बी टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब मान लीजिए ये बॉक्स है, एक बॉक्स है यहाँ पर, उसमें मान लीजिए एक बॉडी चार्ज ये रखी है एक बॉडी और एक बॉडी, फिर हमने उन दोनों को रफ किया, मान लीजिए इस बॉडी ने इसको इस ट्रांसफर कर दिया, तो इस बॉक्स में रखे हुए तो चार्ज बराबर ही हुआ ना, क्योंकि इस बॉडी से इस निकल कर उसमें गया। लेकिन अगर हम उस बॉक्स से पूरा बॉक्स का चार्ज देखें तो वो तो एक कंजर्व रहा है, यानी उसमें तो ना कोई बढ़ा है ना कोई घटा है, सिर्फ जो अंदर उसकी बॉडीज थी उनमें ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन चार्ज तो वही फिक्स रहा है, एक बॉडी से निकल कर दूसरी बॉडी में गए हैं, तो कोई भी नया चार्ज नहीं बना। इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरियड बाई एन आइसोलेटेड सिस्टम, द चार्ज कैरियर पार्ट मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन दिस प्रोसेस। जो अगर हम किसी भी ना चार्ज को हम बना सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समटाइम नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, समटाइम जो स्पेस में कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं, यानी चार्ज तब भी कंजर्व रहता है कि जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने, दोनों चार्ज बने, दोनों मिल गए, फिर से न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इस तरह चार्ज कंजर्व रहता है और उनका वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए इनका चार्ज जीरो हो जाता है। एंड आफ्टर द क्रिएशन जब चार्ज बनते हैं उनके बाद फिर दोनों मिलकर फिर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इस तरह से चार्ज पूरा हमारा न्यूट्रॉन वो कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखें तो द एक्सपेरिमेंटली स्टेबलाइज दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द SI यूनिट बेसिक यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल के टाइप में होते हैं, यानी मतलब कि वन जाएगा, टू जाएगा, थ्री जाएगा, फोर जाएगा, फाइव जाएगा, ऐसे ऐसे कर कर जाएंगे। लेकिन कोई हाफ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो वन बाई टू कभी ट्रांसफ़र होगा, ना तो वन कम्प्लीट वन अपॉइंट टू कम्प्लीट कभी कोई, यानी पॉइंट्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज यूनिट सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है, थ्री इलेक्ट्रॉन, अगर उसको ट्रांसफ़र होगी तो 100 इलेक्ट्रॉन होगी, 10 इलेक्ट्रॉन होगी, ऐसे होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी, यानी फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज बाय द कन्वेंशन दैट द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हम वहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे यहाँ पर, और अगर चार्जेस पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेंगे। इनफैक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जाएंगे, या फिर वो वन वन जाएंगे, टू जाएंगे, थ्री जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफ़र नहीं होंगे चार्ज। इस तरह जो यूनिट ऑफ अ चार्ज है वो कूलाम है एंड इट इज़ डोनेटेड बाय द सिंबल ऑफ सी। अ कूलाम इज़ डिफाइंड इन द टर्म द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम कूलाम को डिफाइन करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में करेंगे, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो जो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये होगी हमारी कूलाम की यूनिट, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो वन कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन वन सेकेंड इफ द करंट इज वन एम्पियर। तो हमारी वन कूलाम की ये डेफिनेशन हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज इज, अगर हम देखें कि एक एलिमेंट्री चार्ज में कितना कितना कूलाम होता है, यानी वन इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम चार्ज होता है, तो 1.602192 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और तब देयर आर अबाउट 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स इन आ चार्ज ऑफ वन कूलाम। वन कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6×10⁻¹⁸। वन माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं, ठीक है, वन माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ होते हैं, और वन माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ और एक वन मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में मदद देंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन द बॉडीज इज N2 × इलेक्ट्रॉन
n1 into minus electron, तो n2 minus n1 e, then it becomes multiple of that. अगर कोई भी मान लीजिए कि किसी बॉडी चार्ज में, मतलब n2 मान लीजिए प्रोटॉन है और n1 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज इक्वल क्या होगा? तो हम चार्ज तो कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम दोनों का जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सबको जोड़कर जो नेट चार्ज बचेगा वही उनका चार्ज होगा किसी भी बॉडी का. अभी याद रहेगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिफॉर्म सरफेस, बट द चार्जेस डेंसिटी ऑन नॉन यूनिफॉर्म सरफेसेस इज मैक्सिमम ऑन द पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ द कर्व इज मिनिमम. तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी हो, तो जैसे ये स्पेयर है, तो उस पर हर जगह चार्ज सेम होगा. लेकिन अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी ना हो, यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा चार्ज वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे रेडियस कम होगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस कम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी पाई जाएगी और यहाँ कम पाई जाएगी. इसका आंसर भी हम आगे जाके पता कर लेंगे ऐसा क्यों होता है. पॉइंट चार्ज क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंसनट्रेटेड. ये डेफिनेशन रहेगी पॉइंट चार्ज की. कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर जल्दी देख लेते हैं हम लोग. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, द मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करेंट्स कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर. ऑल मेटल्स ह्यूमन बॉडी अर्थ आर कंडक्टर. इंसुलेटर क्या है? ऑल द मटेरियल्स रेजिस्ट दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर. जो रोकते हैं चार्जेस के फ्लो को और चार्ज करंट को, वो हमारे इंसुलेटर हैं, बस वुड, प्लास्टिक वगैरह. सेमी कंडक्टर्स द मटेरियल विच रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो भी हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं वो रोकते तो हैं करंट को, लेकिन बट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ऐसे जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी इंसुलेटर के कंपैरिजन में उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, लेकिन जो कंडक्टर से होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. यानी ये बीच के हैं, पहले कंडक्टर फिर सेमी कंडक्टर फिर इंसुलेटर, अगर आप देखें इस तरह से. तो सिलिकॉन और कार्बन, ये आपका लास्ट चैप्टर है सेमी कंडक्टर, तो उसमें आप ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस क्या है? द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल. तो हमने कहा था कि अभी हम एडिटिव नेचर की बात करेंगे. तो मान लीजिए बॉडी है, उसके पास ये सारे चार्जेस हैं, इसमें माइनस Q3 है, माइनस Q5 है, और ये सारे के बाकी के 1, 2, 4 पॉजिटिव चार्ज है. तो एक नेट चार्ज क्या होगा? इन सबका सम होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द जो इस बॉडी में है. तो Q1 प्लस Q2 विद साइन रखेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी. तो हम उसको साइन रख, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं हम लोग उससे. जो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, तो ये हमारा नेट चार्ज आ जाएगा उस बॉडी का. और चार्जेस कंसेप्ट क्या है अगर देखें तो चार्जेस कंसेप्ट क्या है? चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी. मान लीजिए ग्लास और सिल्क है, हमने से रगड़ा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. लेकिन जो नेट चार्ज है उन दोनों का, तब भी जीरो है, क्योंकि इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, उन दोनों को प्लस करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा. अगर हम पूरी बॉडी को प्लस करेंगे, पहले भी हमारा जीरो ही था. अगर देखें ये दोनों न्यूट्रल थी, हमने दोनों को रगड़ा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, फिर हम इसे मिला देंगे तो फिर हमारा जीरो बन जाएगा. तो हमारा कहीं भी चार्ज ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज कंजर्व रहा है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या था? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अभी हम आगे पढ़ चुके हैं. क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, आप देख सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, मास और चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है? चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा. चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज कभी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास स्पीड बढ़ने के साथ साथ मास जो होता है डिपेंड करता है स्पीड के साथ. ठीक है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसका मास भी बढ़ेगा. कूलॉम्स लॉ देखें हम लोग अपना. तो कूलॉम्स लॉ क्या है? तो
द इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या फोर्स लग रही है वो हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के बिटवीन देम। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन इंटू क्यू टू अपन आर स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, क्यू वन इंटू क्यू वन अपन आर स्क्वायर। के इज कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं हम इसे। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹। इसे हम 1/4 πε₀ भी लिखते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री, यहाँ ε₀ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। तो इसका हम ग्राफ बनाएं तो हमेशा ये, अगर मान लीजिए नीचे आपको आर स्क्वायर देखे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा बनेगा इसका जो ग्राफ, ठीक है। तो जो चार्जेस हो सकते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अगर पॉजिटिव होते तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो तब भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ की हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, किसी की प्रूफ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है। व्हेन द लीनियर चार्ज ऑफ चार्जर बॉडीज आर मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस सेपरेटिंग दैन, यानी दो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे हैं और उनकी डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो बहुत बड़ी है। द साइज मे बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, साइज का कोई नहीं होता है, साइज हम इग्नोर भी कर सकते हैं तो हम उन्हें पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। कूलम्ब्स मेजर द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो फोर्स मेजर करता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। एंड फाउंड दैट फाउंड दैट इट इज वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड ऑलवे एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द चार्ज, भाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके डिस्टेंस के बीच भी इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द चार्जेस आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, ओके। एंड दे एक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, अभी हम इसको बता रहे हैं। इफ टू पॉइंट्स चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, तो हमें ये फॉर्मूला है अभी आप देख सकते हैं। तो कूलम्ब यूज एज अ टॉर्सियन बैलेंस, टॉर्सियन बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द फोर्स, फोर्स नापने के लिए एक मेजर होता है। ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लगती है, मतलब इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी की तरफ फोर्स लगेगी और हमारी जो चार्जेस होने चाहिए वो पॉइंट साइज होना चाहिए।